दोस्तों स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे सीएट टायर के बारे में। देखा जाए दोस्तों आज के दिन इस स्टॉक में मतलब 1500 का 1400 का स्टॉक दोस्तों जो है कि इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लग रहा है दोस्तों। मतलब इतना तेजी दोस्तों हमने जो है कि कभी सोचा नहीं था। ऐसे दोस्तों आज के दिन इस स्टॉक में इतनी अच्छी तेजी क्यों थी और अभी इस स्टॉक में अपने को बाइंग करना चाहिए या नहीं, चलिए हम सारा कुछ जो है कि जान लेते हैं। कंपनी के ऊपर कंपनी की बात कर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सीएट में दोस्तों देखेंगे तो आज के दिन जो है कि 20% का जो है कि सर्किट लग गया। ऐसे में दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं आज के दिन कंपनी जो है कि एक नया हाई भी लगाया 52 का, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं 15 सितंबर बात करें दोस्तों जो है कि 25% जो है कि डिलीवरी माल लेके जाया गया। ऐसे में देखा जाए तो 20 लाख जो है कि शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुआ। फॉर्मेटिव फॉर्म में दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं आप भी देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि ये भी स्टॉक में जो है कि इन्वेस्टर जो है प्रेजेंस हो रहे हैं। मतलब इन्होंने भी जो है कि एक्सचेंज को अबाउट मतलब बताया है कि इन्वेस्टर प्रेजेंस के बारे में। स्टॉक की बात करें दोस्तों इनके पास जो है 47% का स्टेक है, ऐसे में एक भी जो है कि प्लेज नहीं है। फिर दोस्तों जो है कि आज के दिन इस स्टॉक में जो है कि 20% का सर्किट लग गया। ऐसे में आप देखेंगे तो जो है कि स्टॉक तो जो है कि तेजी में था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना तो अच्छा खासा तेजी हुआ। मतलब 20% जाने के बाद जो है कि स्टॉक में फुल सर्किट लग गया। ऐसे में 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में स्टॉक वही 17-18% का जो है कि रिटर्न। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 21-22%, 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 66-67% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। वाई टू डेट की बात करें तो वही 40% के आसपास है। ऐसे में 1 साल की बात करें तो 1 साल में 23%, 5 साल की बात करेंगे दोस्तों ना तो कहानी अलग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके पहले जो है कि स्टॉक एकदम नहीं चल रहा था। मतलब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ना तो कंपनी मतलब बहुत ही ज़्यादा इस स्टॉक में ट्रेडिंग होती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 7500% का रिटर्न बना के दिया है। ऐसे में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि ये स्टॉक ने अभी 2000 के लेवल को तोड़ा नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आज के दिन तो चलिए मान लीजिए कि स्टॉक ने जो है कि आज अपना जो है कि 52 का हाई लगाया है। अभी दोस्तों कुछ रिटेलर होंगे कि तो आज इस स्टॉक में जो है कि तेजी में क्यों था, तो आज इस स्टॉक में हम बाइंग करेंगे तो बाइंग करने के बारे में जो है कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ आज के दिन इस स्टॉक में तेजी क्यों थी सबसे पहले उसको जान लेते हैं। आज के दिन की बात करें दोस्तों इसी स्टॉक में तेजी नहीं थी। आप देखेंगे तो जो है कि एमआरएफ की बात करें तो इस भी स्टॉक में जो है कि 7.5% का स्टॉक जो है कि तेजी में था। ऐसे में आप देख सकते हैं ये स्टॉक तो जो है कि 6500 जो है कि तेजी में था पॉइंट में और 7.5% की जो है कि तेजी में है। ऐसे में देखा जाए तो गुड ईयर की बात करें तो ये भी स्टॉक जो है कि 8% के आसपास तेजी में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये भी स्टॉक जो है कि 3.5% के आसपास तेजी में है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पे आप जेके टायर की बात करेंगे तो जेके टायर में भी जो है कि 17% 16.5% के आसपास जो है कि तेजी में है। उसके बाद आइसर मोटर की बात करें दोस्तों ये भी जो है कि आज के दिन स्टॉक तेजी में था। मतलब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आज के दिन दरअसल देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि टायर कंपनियां जितनी भी दोस्तों वो भी जो है कि मोटर सेक्टर मतलब ऑटो सेक्टर को ही बिलोंग करती है। ऐसे में देखा जाए तो ऑटो सेक्टर में जो है कि आइसर मोटर में भी जी आज के दिन जो है कि तेजी में था। यहाँ पर देखेंगे तो मारुति सुजुकी की बात करें तो ये भी जो है कि स्टॉक अच्छी खासी मतलब 3% के आसपास जो है कि तेजी में था। क्रिकेट टायर के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। रिटेल स्टॉक कुछ हो सकता है कि नए हो तो फास्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्रिकेट कैप की बात करें तो 7000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। 1661 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें तो वही 1661 है। 890 का कंपनी का लो है। पी की बात करें जो है कि 100 का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 800 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। आरओसी आरओई देखा जाए दोस्तों इतना कुछ खास नहीं है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है। एज ए मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए दोस्तों आज के दिन जो है कि एमआरएफ की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को जो है पीछे छोड़ दिया। ऐसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी का जो है कि 39326 करोड़ का मार्केट कैप है तो इसका जो है कि 39260 करोड़ का। ऐसे में अपोलो टायर की बात करें तो आज ये भी जो है कि स्टॉक ठीक ठाक था। सीएट की बात करें तो ये भी देख सकते हैं जो है सीएट जो है दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 4th नंबर पर आती है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों जो है कंपनी में क्वार्टरली रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके सेल्स में जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों जो है कि दोनों बेसिस पे थोड़ा सा डाउन है। ऐसे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों पहले कंपनी कितना था 23 और इस बार कंपनी की बात करें तो 8 करोड़। बात करें दोस्तों जो है कि पैनल में इनके सेल्स तो जो है कि ग्रोइंग मोड में नो डाउट दोस्तों, लेकिन हाँ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है कि कंपनी के घट गए। इस बार की बात करें तो जो है कि 700 करोड़ के आसपास है। पहले जो 900 करोड़ था 700 करोड़ था 727 था, लेकिन दोस्तों हर बार से जो है कि कम है। भी देख सकते हैं पहले जो कि 400 के डिजिट में चलता, मतलब 400 करोड़ 300 करोड़ 200 200 250 ऐसे में देखा जाए दोस्तों इसके बाद जो है कि अभी कंपनी 2 साल से जो है कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वही 10-20% के आसपास है दोस्तों। ऐसे में देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों देखेंगे तो 5 साल पे कंपनी का जो है कि माइनस चलता ही जा रहा है। सीजीआर की बात करें तो कंपनी जो है कि 5 साल में कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया, जैसा कि हमने देख लिया। 10 साल की बात करें तो कंपनी का रिटर्न अच्छा खासा है। 1 साल की बात करें तो वही मतलब कुछ भी नहीं है। 3 साल की बात करें तो 14% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जैसा कि हमने देख लिया 5 साल से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कि सिंगल डिजिट में है।
की बात करें दोस्तों जो है कि नो डाउट कंपनी का रिजर्व जो है कि ग्रोइंग मोड में, डेट की बात करें तो डेट भी इनका जो है कि ग्रोइंग मोड में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, प्रमोटर के पास 47% का स्टेक है, जैसा कि हमने देख लिया इसमें प्लेज भी नहीं है दोस्तों। और डीएफआईएस की बात करते हैं, फाइज ने सेलिंग कर दिया, डीआईएस की बात करें डीआईएस ने भी सेलिंग कर दिया। पब्लिक की बात करें दोस्तों जो है कि पब्लिक ने इस स्टॉक में जो है कि एक्युमुलेट किया। अपने को करना क्या है देखा जाए दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से पर्सनली बताना चाहता हूं कि टायर कंपनी की बात करें तो टायर कंपनी भी दोस्तों देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हैवी कंपटीशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इनके जो फाइनेंशियल कंडीशन और जो फंडामेंटल्स देखा दोस्तों, मेरे पॉइंट से इतना कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों बताना चाहते जिनको अभी फ्रेश बाइंग करना है, आप चाहे तो इस स्टॉक को जो है कि अवॉइड कर दे, जिनके पास पुरानी होल्डिंग है आप चाहे तो कंटिन्यू करके चल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।